हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना जो होता है वो क्या होता है। और अब की बार हम पढ़ेंगे कि फैराडे ने उन कंक्लूजन्स के बेसिस के ऊपर कुछ दो लॉज दी थी, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज हैं, क्योंकि एक जो फर्स्ट लॉ थी फैराडे की वो फैराडे इस फसला आपको बताती है कि जो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में वो इंट्रोड्यूस करती है। ये फैसला के अकॉर्डिंग यही है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स यदि चेंज होगा, चेंजेस करंट इज इंड्यूस्ड, तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। और दूसरा जो है करंट कह दो यहाँ, और या फिर आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ भी बोल सकते हो। और जो सेकंड जो लॉ थी फैराडे सेकंड लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ जो फैराडे की आपको कहती है, ये बताती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, बात हुई पहली लॉ के दौरान कि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, कब होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाएगा। और जो सेकंड लॉ है फैराडे की, सेकंड लॉ आपको ये बताती है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंड्यूस होगा, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो उसको कैसे बताता है। तो लेट अस कंसीडर देयर इज अ कॉइल, और उस कॉइल का जो मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स मान लिया फाई वन माना है अभी फिलहाल जब आपने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो लेट फाई वन बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल एट टाइम टी वन। आपने थोड़ी देर के बाद फिर उसको टाइम टी टू के ऊपर चेक किया, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था अभी आपको मिला टी टू टाइम पे, फाई टू इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल। तो टी वन टाइम पे उस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स था फाई वन, और टी टू टाइम के ऊपर जो उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक था वो कितना था, वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक था फाई टू। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर लिंक्ड है उस केस में क्या हुआ, उसमें कहता है, तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन फ्लक्स कितना आया, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज आ गया, फाइनली ये फाइव टू था तो फाइव टू माइनस फाइव वन, यह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और कितने टाइम में आया, मैं इस चेंज को शो करता हूं डेल्टा फाइव से, ये डेल्टा फाइव, डेल्टा शो करता है चेंज और फाइव शो करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डेल्टा फाइव ये कंप्लीट एक ही चीज को शो करता है, और वो चीज क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को शो कर रहा है। तो उसके बाद कहता है टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसको, टाइम टेकन, तो टाइम कितना लगा इसको, जो टाइम लगा इसको लेने चेंज होने में, तो टी टू माइनस टी वन दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा टी, टाइम टेकन। यहां फैराडे सेकंड लॉ आपको कहती है कि द EMF induced, magnitude जो होगा EMF का जो induced हुआ, जो EMF induced हुआ है, potential difference induced हुआ है, that is represented by small e, then small e is directly proportional to delta phi upon delta t, ये delta phi by delta t जो है, ये क्या है, rate of change of magnetic flux, change of flux per unit time, change of flux per unit टाइम, ये चीज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ कहती है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो था, इंड्यूस्ड ईएमएफ था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्लियरली अपने पास आ गया कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये चीज क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आप जो करोगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट पुट करना होगा, k इज इक्वल टू डेल्टा फाई डेल्टा टी, और यहां k की वैल्यू है
डेट इज इक्वल टू वन, सो ई इज इक्वल टू डेल्टा फाइव आई डेल्टा टी। हालांकि यदि आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे तो माइनस साइन यहाँ आगे लगाया जाता है, और वो माइनस साइन ये कहता है माइनस नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जो है वो किसको इंडिकेट करेगा? नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, अपोजिज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमेशा अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये था फैराडेज लॉ के बारे में। एनटीएससी के लिए बहुत से क्वेश्चन इस पे मिल सकते हैं। यहाँ जो मोशनल ईएमएफ, और एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ का मतलब होता है कि किसी कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, किसी लूप को, सिंगल कंडक्टर के अंदर तो होगा नहीं, तो यदि किसी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर भी क्या लगता है, उसके ऊपर भी उसमें भी करंट इंड्यूस होता है। हम एग्जांपल लेते हैं मोशनल ईएमएफ के लिए। तो जो मोशनल ईएमएफ होगा उसको कैसे हम ट्रीट करें? सबसे पहले तो एक चीज नोट करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दो प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये, जैसे एक तो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, तो प्लेन जो बोर्ड का है उसके डायरेक्टली इनवर्स हो, जैसे ये डायरेक्शन हो तो वो डायरेक्टली परपेंडिकुलरली इनवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो बाहर की तरफ हो, ये होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कह रहा है कि जो क्रॉस जो है, कहीं भी आपको क्रॉस मिलता है, रीजन मिलता है, ये किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्स इनटू प्लेन ऑफ पेपर, ये किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो डॉट है, डॉट रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जरूर ध्यान दें कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है, यदि आपको क्रॉस का रीजन मिलता है, जैसे हम लेते हैं कि हमने माना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन है, ये क्रॉस जो है, जितना भी आपको रीजन दिखाया गया, ये रीजन आपका मैग्नेटिक फील्ड का है जिसकी डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलरली इनवर्स है। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्स है। यदि इनकी जगह मैं डॉट रखता तो डॉट का मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होती। तो मोशनल ईएमएफ के केस में क्या कहता है कि मान लो ये देयर इज ए रेक्टेंगुलर लूप और उसकी एक जो ये साइड है ये मूवेबल है, मतलब ये जो आर्म्स थी ये फिक्स थी और ये जो साइड्स थी, मैं जैसे पी क्यू आर एस इस लूप का नाम रखा हमने, तो ये जो साइड्स थी बाकी तीनों साइड्स, ये फिक्स है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, लेकिन ये जो साइड थी ये आगे पीछे जा सकती है। तो यदि ये साइड आगे पीछे जाएगी, मैं मान लेता हूं कि लेट दिस क्यू आर साइड इज मूविंग टुवर्ड्स द साइड पी एस, तो नोट करें कि कुछ समय के बाद ये लूप, ये जो साइड होगी ये यहां पर होगी और यहां होगी, तो लूप का एरिया पहले ये था रेक्टेंगल का, लेकिन अब एरिया कितना बचा? सिर्फ ये एरिया बचा। एरिया चेंज हो गया तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कोस ऑफ थीटा, एरिया यदि चेंज होगा तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से जितना भी लिंक था, देखो जैसे ही साइड मूव करेगी तो एरिया उसका लूप का बदलता रहेगा, और यदि एरिया बदलता रहेगा तो फिर उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फिर करंट इंड्यूस होगा, फिर क्या होगा? करंट इंड्यूस होगा। अब प्रश्न यही उठ रहा है कि उस इंड्यूस्ड जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे बताएंगे हम? कोई हमारे पास कोई रूल है क्या जिससे हम उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बता सकते हैं? तो यहां हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जो यूज करा जाएगा किसी भी मूविंग कंडक्टर, मूविंग लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए, और वो कॉन्सेप्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं फोर्स बताने के लिए, राइट हैंड रूल। तो ये आ गया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यू हैव टू स्ट्रेच यूअर फर्स्ट फिंगर सिमिलरली लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर एंड थंब सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर लाइक दिस. हमने कहा फर्स्ट फिंगर होगी सेंट्रल फिंगर और थंब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. तो आपको जो फर्स्ट फिंगर को पॉइंट करना होगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और थंब शुड पॉइंट मोशन ऑफ कंडक्टर. इसको मोशनल ईएमएफ इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस करवाया गया वो कंडक्टर को मूव करवाते हुए करवाया गया है. तो मोशन ऑफ द कंडक्टर की तरफ आप इसको पॉइंट करेंगे. ये चीज अब की बार आपको पॉइंट नहीं करनी है ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये किसकी डायरेक्शन बताएगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन किससे पता चलेगी सेंट्रल फिंगर से. हाउ कैन यू अप्लाई दिस तो आप यही देखें इसी केस में आपको ये जरूर नोट करना है कि आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा रूल है ये राइट हैंड रूल है. तो राइट हैंड रूल के लिए आपने दायां हाथ लिया जो फर्स्ट फिंगर थी उसकी उसको पॉइंट किया टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ यू शुड पॉइंट दिस थंब इन द मोशन ऑफ कंडक्टर एंड कंडक्टर इज मूविंग राइट टू लेफ्ट सो यू टर्न योर थंब इन द डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट. अब देखो अभी पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये फिंगर एंड द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोशन ऑफ कंडक्टर एंड दिस सेंट्रल फिंगर इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस आर्म क्यू आर बिकॉज द आर्म क्यू आर इज मूविंग. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस आर्म क्यू आर इज डाउनवर्ड्स. यहां इसके अंदर डायरेक्शन क्या बनेगी डाउनवर्ड्स. अब यदि आपको इसकी पता चल चुकी है तो आप पूरे लूप के अंदर इसकी डायरेक्शन करंट की बता सकते हैं. तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये हम यूज करेंगे इसको जनरेटर के केस में भी यूज करेंगे. तो इसको ध्यान दें कि फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर और थंब को आपको पॉइंट करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हमेशा पॉइंट करनी चाहिए. ये करंट की डायरेक्शन बता देगी ये थंब की तरफ इसको पॉइंट करना चाहिए. तो इसी टॉपिक के ऊपर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पूछें. थैंक यू.